चीज़ पनीर बॉल बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर। इसे मैंने घिस लिया है, आप चाहे तो हाथ से मैश भी कर सकते हैं इसे। चीज़ हमें चाहिए 50 ग्राम, आप इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लें। बेसन हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच। कॉर्नफ्लोर हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच। प्याज हमें चाहिए 2 प्याज ऐसे बारीक कटे हुए। लाल मिर्च पाउडर 1/3 छोटा चम्मच। नमक स्वाद के अनुसार। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। और तेल हमें चाहिए बॉल्स को फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पनीर है इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे, सिर्फ तेल और चीज़ को छोड़ के। मैंने ये प्याज डाला, फिर ये हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ता, फिर हम इसमें डालेंगे ये बेसन, कॉर्नफ्लोर भी साथ में ही डाल दें, लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो लाल मिर्च ज़्यादा डालें, मैंने ये बच्चों के हिसाब से डाला इसलिए तीखा कम डाला है। नमक डालें और बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पनीर जो है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो जिसकी वजह से इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर दिया इसे। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस मिक्सचर का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे अपने हाथों में ले, उससे फिर चपटा करें और इसके भीतर हम इस चीज़ को स्टफ़ करेंगे। आप चाहे तो चीज़ के क्यूब्स जो है वो छोटे काटें और बॉल्स छोटे बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने चीज़ भर दिया इसमें, फिर इसको वापस ऐसे राउंड शेप दे दें। ये हमारा बॉल तैयार हो गया है। ठीक इसी तरह हम दूसरा बॉल भी बनाएंगे। ये मैंने सारे बॉल्स बना लिए चीज़ भीतर स्टफ़ करके, और ये हमारा चीज़ पनीर बॉल तैयार हो गया है फ्राई करने के लिए। अब हम इसे गरम तेल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तेल मैंने पहले से ही गरम करके रखा था। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, इसे हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करें, नहीं तो ये जो चीज़ है वो भीतर से निकलने लगेगा, इसीलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें और एक साथ ज़्यादा बॉल्स ना डालें। अब इसे पलट दें। मैंने ये फोक से किया है ताकि ये जो बॉल्स है वो टूटे नहीं, और इसी तरह हम इसे चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, अब ये हो चुका है। अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए, पनीर बॉल्स के कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बस इसे निकाल दें किचन टॉवल पे। ये देखिए, ये मैंने बॉल्स निकाल लिया। ठीक इसी तरह हम बाकी चीज़ पनीर बॉल को फ्राई कर लेंगे। बस इसे भी निकाल दे। और ये हमारा चीज़ी पनीर बॉल तैयार हो गया है। आप इसे केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें।